आज हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन मैंने देखा है कि एसएससी, सीजीएल, सीआईएसएफ, बैंक्स, रेलवेज और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, चार फ्रैक्शन हैं, या तीन दी हुई हूं या पांच दी हुई हूं। तो इस पर चार तरह के क्वेश्चन जो मैंने पेपर में देखा है, चार पॉसिबिलिटीज हैं, चार तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि पूछते हैं इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, यानी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और चार ऑप्शन दिए रहेंगे। दूसरा पूछा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। और तीसरा पूछा सकता है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। और चौथा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसका मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं इस पर पूछने की। अब आप लगाते कैसे हो इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि आप तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यानी पांचवी क्लास से, सिक्स क्लास से ही ये सब पढ़ाया जाता है, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसमें एलसीएम निकाल लेंगे फ्रैक्शन का और उसके बाद जो है कंपेयर कर लेंगे बराबर करके। मैं मानता हूं, मैं भी वही काम करता हूं कि अगर कंपेयर करना हो फ्रैक्शंस को तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो है उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, यानी एलसीएम के बराबर कर लेंगे। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान मेथड होता है एलसीएम मेथड। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालता हूं, 11, 14, 18, 23। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2, 7, 2, 9। फिर सबसे छोटी प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। अब किसी नंबर से कोई डिवीजन नहीं होगा तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 × 11 × 7 × 3 × 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब आप बताओ, आप कंपटीशन बैठे हो, आपके लिए वहां पर एक एक सेकंड की कीमत है। अब यहां पर जब डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करते ही तो लग जाएंगे, एक मिनट दो मिनट लग जाएंगे। उसके बाद दूसरा काम करोगे, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करोगे, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तब आप चेक करोगे कि कौन फ्रैक्शन छोटी है कौन बड़ी है, आ जाएगा, फौरन आ जाएगा। लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, इसमें बहुत ही समय लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप क्या करोगे, दो दो फ्रैक्शन को ले करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे, फिर जो आएगा इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे, और फिर उसमें दोनों कंपेयर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि जब 12 में 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, इसमें भी बहुत समय लगेगा। इसका मतलब दोनों मेथड यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। तब कहोगे सर फिर क्या करना चाहिए? जी हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो आप क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्वेश्चन जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहला काम चेक करेंगे कि फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं वो प्रॉपर हैं कि इम्प्रॉपर हैं। प्रॉपर किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिसके न्यूमरेटर छोटे होते हैं। तो सब के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हैं, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं है। इसका मतलब न्यूमरेटर सब बड़े हैं डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। पहली चीज,
पहली चीज आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए तो दूसरा चेक करेंगे कि इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप चेक करो इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस क्या है, 12 माइनस 11 बराबर 1, इसमें भी चेक कर लो 15 माइनस 14 बराबर 1, इसमें भी चेक कर लो 19 माइनस 18 बराबर 1, इसमें भी चेक कर लो 24 माइनस 23 बराबर 1। चार फ्रैक्शन दी हुई, चारों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 मीन्स सेम आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हो इन दिस क्वेश्चन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस इज इक्वल टू सेम, इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए तभी जो रूल बताने जा रहा हूं रूल लगेगा। तो सेम आ गया। अब ये सेम का मतलब क्या, अगर दो भी आ जाए सबका तब भी ठीक, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करेंगे, दो कंडीशन थी, हमने पहले पता लगा लिया कि इम्प्रॉपर है, और जब इम्प्रॉपर है तब न्यूमिनेटर और डिफरेंस डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे, अगर प्रॉपर होता तब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिफरेंस निकालते, इसको नोट रखिएगा। इम्प्रॉपर के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। अब सेम आ गया, जब सेम आ गया तब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो अब बताइए 12, 15, 19, 24 में न्यूमरेटर 24 सबसे बड़ा है, तो चूंकि 24 बड़ा है सबसे, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। चूंकि 24 इज ग्रेटर देन 19, इज ग्रेटर देन 15, इज ग्रेटर देन 12, ये सबसे बड़ा तो फ्रैक्शन सबसे छोटी, यानी ऑर्डर लिख सकते हो 24 अपान 23, 19 अपान 18, फिर 15 अपान 14, फिर 12 अपान, ये हो गया। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, सॉरी, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। यहां पर लेस देन का लगेगा निशान, लेस देन का, तो ये सबसे छोटी हो गई और ये वाली हो गई सबसे बड़ी। देयरफॉर सबसे बड़ी, या इंग्लिश में लेके कह रहे हैं स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12 अपॉन 11, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 24 अपॉन 23। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर एक है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, तो सबसे छोटी क्या है 24 अपॉन 23, 24 अपॉन 23, फिर 19 अपॉन 18, फिर 15 अपॉन 14, फिर 12 अपॉन 11, ये हो गया। और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 12 अपॉन 11, नहीं क्या है 12 अपॉन 11,
ट्वेल्व अपान एलेवन, इसके बाद ग्रेटर दैन फिफ्टीन अपान फोर्टीन, ग्रेटर दैन नाइनटीन अपान एटीन, ग्रेटर दैन ट्वेंटी फोर अपान ट्वेंटी थ्री। तो इस तरह से क्या आ गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ट्वेल्व अपान एलेवन, सबसे छोटा फ्रैक्शन ट्वेंटी फोर अपान ट्वेंटी थ्री। ट्वेंटी थ्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह से चार क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। चारों क्वेश्चन में कोई भी एक पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है, एलसीएम में नहीं फंसना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं फंसना है। आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। जब इम्प्रॉपर है तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना है, वो सेम आना चाहिए। जब सेम आ जाएगा तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, और सबसे छोटा जिसका डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ी। ये हो गई सबसे बड़ी, तय हो गई सबसे छोटी, क्लियर।